Now exercise 12.4, we are going to start that exercise. This is our story sum exercise. First sum is a basket of apples was bought for ₹478. Basket of apples bought कर रहे हैं. Bought means CP given है. CP of basket of apples क्या है? 478. And later sold at profit of. अभी sold बोला है कि इतने profit पे बेचा है. Selling price नहीं दिया ये. ये क्या दिया है? 57 profit. प्रॉफिट ऑफ ₹57. फिर उसको बेच के प्रॉफिट कितना हुआ है? 57 रुपीज़ का. एंड व्हाट वाज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ एप्पल्स? हमने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस. ओके, हाउ वी फाइंड आउट दैट? सीपी फॉर बास्केट ऑफ एप्पल इज ₹478 एंड प्रॉफिट इज ₹57. नाउ सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है ना, जब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है देन हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जब हमें प्रॉफिट और सीपी गिवन है, ठीक है? देन व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज हियर? सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी इज ₹478 एंड प्रॉफिट इज ₹57. ओके, 478 में 57 प्लस करो. Now second sum is a desktop bought for ₹32,000 was sold after 3 years at loss of 4,979. 32,000 का desktop है, bought किया है, bought means CP given है, ठीक है? And loss कितने का हुआ है उसको बेच के? 3 years बाद उसे बेच दिया है. कितने का लॉस हुआ है? 4,979 का. एट व्हाट प्राइस इट वाज सोल्ड? ये कितने पे बेचा गया मींस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है? राइट हियर सीपी ऑफ डेस्कटॉप इज ₹32,000, लॉस इज 4,979 एंड यू हैव टू फाइंड आउट एसपी. जब हमने एसपी फाइंड आउट करना है, सीपी और लॉस गिवन है, देन व्हिच फार्मूला वी विल यूज? सीपी माइनस लॉस, ठीक है? फॉर्मूलाज लर्न कर लो बच्चे, फॉर्मूला से सारे सम इजी हो जाएंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सीपी इज ₹32,000 माइनस लॉस इज 4,979. नाउ माइनस इट, 32,000 माइनस 4,979 27021 नाउ थर्ड सम इज ए टेबल वॉज सोल्ड फॉर ₹2,756. इतने पे सोल्ड हुआ है टेबल मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल गिवन है, ठीक है? तो शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹596 ऑन द होल ट्रांजेक्शन. इस पे प्रॉफिट उसके उसे कितना हुआ है? 596 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. एंड व्हाट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल? हमने अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल. SP of table is ₹2,756, profit is 596. Now you have to find the CP. ठीक है, अगर हमने CP find out करना है, then what formula we will use here for finding CP? That is SP minus profit. इसमें SP से profit क्या करना है? Minus करना है. Put the value of SP. Value of SP is ₹2,756 minus profit is ₹596. Now minus it. ठीक है, 21,260 इन सीपी ऑफ टेबल. नाउ फोर सम इज जतिन एंड करेड अ लॉस ऑफ 1,475. उसे लॉस हुआ है, ठीक है? इतने का ऑन सेलिंग प्राइस अ कारपेट ऑफ सेलिंग कारपेट को बेच के जिसका सेलिंग प्राइस क्या है? 14,000. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कारपेट? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ कारपेट. सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट इज 14,000, लॉस इज 1,475. नाउ फाइंडिंग सीपी. सीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? जब हमें सेलिंग प्राइस एंड लॉस गिवन है, 14 क्या करेंगे? सीपी इक्वल्स टू एसपी
plus loss. FP plus loss. Put the value of FP. FP is rupees 14,000 plus value of loss is rupees 1475. Now add this 14,000 plus 1475. 15,475. This is answer. Okay, this is our cost price of carpet. Now, fifth sum, Geeta bought a double bed. Geeta bought a double bed for rupees 15,719. इतने में उसने double bed खरीदा है. Spent rupees 1250 on its transportation. उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा कितना आया है 1250 मींस घर लेके आए हैं तो ट्रांसपोर्ट तो लगेगी ही ना ठीक है 1250 ऑन सेलिंग इट गीता इनकर्ड फिर उसने उसे बेच दिया इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1275 फिर उसको बेच के लॉस कितना हुआ है 1275 का फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी कीमत पे उसने बेचा है बैट सेलिंग प्राइस Now CP of double bed is rupees 15,790. Overhead charges is 1250. Actual CP फिर क्या होएगा? इन दोनों का भी आप लोगे plus rupees 15,790 plus rupees 1250. ठीक है? इन दोनों का क्या करोगे? Plus करोगे? क्योंकि ये overhead charges में ही आते हैं ना जो ऊपर खर्चा आता है. कोई भी चीज़ लेते हैं वो CP है. जो उसके ऊपर खर्चा आता है that is overhead charges. फिर एक्चुअल सीपी क्या बनेगी इन दोनों का प्लस ओके व्हाट वी गेट रुपीज 17,040 ठीक है दिस इज एक्चुअल सीपी नाउ लॉस कितने का हुआ है रुपीज 1275 का एसपी ऑफ बेड फाइंड आउट करना है एसपी ऑफ बेड कैसे फाइंड आउट होएगा CP minus loss. CP is this CP लोगे, जो अभी actual CP है। 17,040 minus 1,275 rupees के sign डाल लो आगे। What we get? 17,040 में से 1,275 minus करोगे। Rupees 1570 765. This is answer for SP of bed.